2010 का गुजरा। एक ओर विकास के कई क्षेत्रों में तरक्की की छलांगें लगा रहा था और दूसरी ओर बहुत से प्रदेशों द्वारा उपेक्षित खेल कूद के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई जा रही थी। वो समय जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने खेल महाकुंभ की नींव रखी। खेल को एक उत्सव के रूप में मनाने के साथ साथ हमारे कल्चर का हिस्सा बनाने के लिए मोदी जी ने गुजरात में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया। खेल को हर जिले, हर गांव, हर स्कूल तक पहुंचाया। राज्य के कोने कोने से प्रतिभाशाली खिलाड़ी निकलने लगे जो कि आज अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचकर गुजरात और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हम सब ने देखा ही है टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में भाविना पटेल ने कैसे हमारा मान बढ़ाया। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी इस उत्सव को राष्ट्रीय स्तर तक ले गए और भव्य शुरुआत की खेलो इंडिया की। भारत के जन सामान्य के स्वभाव में खेल प्राथमिकता प्राप्त करे, हमारी एजुकेशनल इकोसिस्टम में खेल यह भी जीवन विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। गुजरात की इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात के नागरिकों और खेल के प्रति उत्साही युवाओं को समर्पित की जा रही है गुजरात स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022-2027, जिससे गुजरात में स्पोर्ट्स के साथ विकसित होगा स्पोर्ट्स कल्चर। डेडिकेटेड स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के द्वारा स्पोर्ट्स गुड्स और इक्विपमेंट में भी गुजरात बनेगा आत्मनिर्भर। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गुजरात का नाम रोशन करने वाले एथलीट एवं पैरा एथलीट को पुरस्कार देने वाला देश का सबसे अग्रणी राज्य बनेगा गुजरात। एशिया का सबसे बड़ा ग्रास रूट स्पोर्ट्स टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और डेवलपमेंट प्रोग्राम बनेगा खेल महाकुंभ। गुजरात सिंगल और मल्टी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल इवेंट्स होस्ट करेगा, स्पोर्ट्स एसोसिएशंस के साथ मिलकर स्पोर्ट्स लीग्स और कॉम्पिटिशन्स का आयोजन होगा। गुजरात में 4 नए वर्ल्ड क्लास हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनेंगे और पैरा एथलीट फोकस्ड हाई परफॉर्मेंस सेंटर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा गुजरात। साथ ही कोच अक्रेडिटेशन और कोच करियर पाथवे प्रोग्राम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य भी बनेगा गुजरात। ट्राइबल और इंडिजिनस लोगों में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने हेतु डेडिकेटेड प्रोग्राम शुरू होगा। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से शुरू किए जाएंगे एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स और स्पोर्ट्स साइंस मॉड्यूल्स। एथलीट्स के भविष्य को संवारने के लिए शुरू किया जाएगा एथलीट वेलफेयर प्रोग्राम। देश को नेट जीरो बनाने के प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा गुजरात में नेट जीरो स्पोर्ट्स इवेंट्स का आयोजन। और हाँ, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से गुजरात में पेपरलेस, पारदर्शी और समयबद्ध होगी स्पोर्ट्स गवर्नेंस। जहां स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स और इवेंट्स तो होंगे ही, साथ ही होगी स्पोर्ट्स पर्सनल्स डेवलपमेंट और एथलीट्स की अपस्किलिंग। क्योंकि बात साफ है, ऐसे ही न्यू एज और फ्यूचर रेडी इनिशिएटिव्स पॉलिसी ड्रिवन स्टेट गुजरात को बनाएंगे देश और दुनिया का लीडिंग स्पोर्ट्स हब। गुजरात स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022-2027।